हेलो एंड वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल ऑल पर्पस ट्यूटोरियल्स। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो इंडिया है, जो हमारी कंट्री है, उसमें कौन से एजुकेशनल बोर्ड्स हैं स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। और जो पहला बोर्ड है वो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मतलब CBSE। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मतलब CBSE, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो पहले इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं, जो कि है CBSE ऑलवेज वर्क्स विद अ विजन टू प्रोवाइड स्ट्रेस फ्री एजुकेशन टू इट्स स्टूडेंट बाय अडॉप्टिंग इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स इन्फ्यूज्ड विद साइकोलॉजिकल एंड इंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स। इसका मतलब है कि जो CBSE है वो हमेशा इस विजन के साथ काम करती है कि वो जो अपने उनका जो इस बोर्ड में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको वो स्ट्रेस फ्री एजुकेशन दे। इसका मतलब कि उससे उनको ज़्यादा स्ट्रेस ना हो और उनको इनोवेटिव तरीके से, मतलब क्रिएटिव तरीके से वो पढ़ा सकें, और जो उनके मेथड्स होते हैं वो साइकोलॉजिकल और इंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स के बेसिस पे होते हैं, मतलब कि जिससे स्टूडेंट्स को और आसानी से समझ में आ सके कि ये पढ़ाने की क्या कोशिश कर रहे हैं। अब जो CBSE का सिलेबस होता है वो CBSE सिलेबस मोर और लेस फोकसेस ऑन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। इसका मतलब है कि जो CBSE का सिलेबस होता है वो इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं या जो बनना चाहते हैं इंजीनियर या डॉक्टर, तो उन्हें ये बोर्ड ले लेना चाहिए, क्योंकि ये इसी पे ज़्यादा फोकस करता है। ऑल नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस आर कंडक्टेड एज पर द CBSE सिलेबस। और जो सारे नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं वो CBSE सिलेबस के अकॉर्डिंग ही उनका भी सिलेबस रहता है, उन्हीं के जैसा इसका भी सिलेबस रहता है। द बोर्ड एम्फेसाइजेस ऑन द यूज़ ऑफ NCERT बुक्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कंडक्टेड इन इंडिया। इसका मतलब ये है कि जो NCERT बुक्स हैं होती हैं, तो जो मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जो नेशनल एग्ज़ाम नेशनल लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उनमें NCERT का बुक्स का जो सिलेबस होता है वो ही ज़्यादातर आता है। तो इस पे भी जोर देती है CBSE। अब एग्ज़ामिनेशंस, द टू मेजर एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाई CBSE आर ऑल इंडिया सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10 एंड ऑल इंडिया सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन फॉर 12th। मतलब अब ये जो दो सबसे जो इम्पोर्टेंट और जो बड़े एग्जाम्स जो CBSE कंडक्ट कराती है वो है ऑल इंडिया सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है AISSE, जो कि 10th क्लास के लिए होता है। और जो दूसरा बड़ा एग्ज़ाम है वो है ऑल इंडिया सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है AISSE, जो कि 12th क्लास के लिए होता है। अब जो अगला है वो है काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशंस। इसको हम ICSE के नाम से भी जानते हैं और ISC भी कहते हैं इसको। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। द काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस इज़ अ प्राइवेटली हेल्ड नेशनल लेवल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। इसका मतलब ये है कि जो ये काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन से जो CISCE है, ये एक प्राइवेट नेशनल बोर्ड है एजुकेशन का इंडिया में। ये एक प्राइवेट है, प्राइवेट बोर्ड है। और जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ICSE इज टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन टू स्टूडेंट्स थ्रू आ प्रैक्टिकल अप्रोच। इसका मतलब है कि जो ICSE का जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कोई भी चीज़ एजुकेशन देते हैं, मतलब कोई भी चीज़ को प्रैक्टिकली करके बताना और प्रैक्टिकल अप्रोच बनाना बच्चों की। इट एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू चूज अक्रॉस डाइवर्स स्ट्रीम्स सब्जेक्ट्स फॉर क्लास 12 बाई पुटिंग इक्वल एम्फेसिस ऑन साइंस आर्ट्स एंड लैंग्वेज सब्जेक्ट्स स्पेशली इंग्लिश। तो
तो जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि ये जो भी बच्चे या तो साइंस में या तो आर्ट्स में या तो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो उन्हें ICSE लेना चाहिए। अब इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। CISCE सिलेबस इज मोर वास्ट एंड कॉम्प्रीहेंसिव इन कंपेरिजन विद दैट ऑफ CBSE। इसका मतलब ये है कि जो ये CISCE का सिलेबस होता है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है CBSE के मुकाबले। इट हैज़ बीन स्ट्रक्चर्ड इन अ वे टू इम्पार्ट प्रैक्टिकल नॉलेज एंड बिल्ड एनालिटिकल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द और ऑल सॉरी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट। इसका मतलब है कि ये जो इनका सिलेबस है ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जिससे कि बच्चों की प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़े, बच्चों की प्रैक्टिकल अप्रोच बढ़े और उनमें एनालिटिकल स्किल्स डेवलप हों जो कि उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है। अब इसके एग्जामिनेशंस के बारे में, द काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस कंडक्ट्स 3 examinations, नेमली द इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ICSE 10th क्लास 10th, द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट ICSE क्लास 12 एंड द सर्टिफिकेट इन वोकेशनल एजुकेशन CVE ईयर 12। द CVE कोर्स इज इंटेंडेड टू प्रिपेयर कैंडिडेट्स फॉर स्पेसिफिक वोकेशंस। इसका मतलब ये है कि जो ये CISCE ये जो बोर्ड है ये 3 बड़े एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो जो पहला है उसमें वो है द इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ICSE जो कि क्लास 10th के लिए होता है। जो दूसरा एग्जाम है वो है द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम जो ISC होता है जो क्लास 12th के लिए होता है। और एक और है जो 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 थर्ड एग्जाम है वो है सर्टिफिकेट इन वोकेशनल ट्रेनिंग, ये भी 12th क्लास के लिए होता है। और ये जो सर्टिफिकेट इन वोकेशनल ट्रेनिंग ये जो वोकेशनल एजुकेशन सॉरी ये जो कोर्स है ये कैंडिडेट्स को स्पेसिफिक वोकेशंस के लिए प्रिपेयर करना है, इसका मोटिव होता है। अब जो अगला है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग इज द बोर्ड ऑफ एजुकेशन अंडर द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है ये यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ द सॉरी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1989 टू प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी अंडर अंडर द मोटिव टू इंक्रीज लिटरेसी एंड एम्ड फॉरवर्ड फॉर फ्लेक्सिबल लर्निंग। तो ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था 1989 में, जिससे कि जो लिटरेसी रेट है, जो मतलब पढ़ाने का रेट है, जो जिससे बच्चे ज़्यादा मात्रा में पढ़ सकें और जिससे कि जो उनकी सीखने की क्षमता है वो भी बढ़े। द NIOS इज़ अ नेशनल बोर्ड दैट एडमिनिस्टर्स एग्जामिनेशंस फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशंस सिमिलरली टू द CBSE एंड द CISCE। इट ऑल्सो ऑफर्स वोकेशनल कोर्सेज आफ्टर द हाई स्कूल। तो ये जो NIOS है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ये एक ऐसा बोर्ड है जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराता है, मतलब 10th और 12th के एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराता है एकदम CBSE और CISCE के जैसे। और ये सॉरी सॉरी और ये वोकेशनल कोर्सेज भी ऑफर करता है, प्रोवाइड करता है हाई स्कूल के बाद में। NIOS एनरोल्स अबाउट 3,50,000 स्टूडेंट्स एनुअली विच मेक्स इट वन ऑफ द लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। NIOS कंडक्ट्स बोर्ड एग्जाम्स ट्वाइस अ ईयर इन मार्च अप्रैल एंड सितंबर अक्टूबर। इसका मतलब है कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है वो हर साल 3,50,000 बच्चों को एनरोल करता है, मतलब अपने जो बोर्ड है उसमें इनका एडमिशन होता है। और ये जो इंडिया का है ये सबसे बड़े बोर्ड्स में से एक बोर्ड है
और ये जो NIOS है ये बोर्ड एग्जामिनेशन साल में 2 बार कंडक्ट कराता है, जो या तो मार्च या तो अप्रैल में होते हैं और या तो सितंबर या तो अक्टूबर में होते हैं। अब जो अगला है वो है इंटरनेशनल बाकलोरेट। तो अब इंटरनेशनल बाकलोरेट है क्या ये देखते हैं। तो इंटरनेशनल बाकलोरेट इज अ नो प्रॉफिट एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेट ऑफर्स प्राइम क्वालिटी प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन एज्ड बिटवीन 3 to 19। द आईबी स्कूल्स आर कंसिडर्ड प्रेस्टिजियस एट द सेम टाइम एक्सपेंसिव। तो ये जो इंटरनेशनल बाकलोरेट है ये एक नो प्रॉफिट एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मतलब इससे जो कि बहुत ही अच्छे, जिनके पास प्रोग्राम्स है जो एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, वो बच्चों को जो कि 3 से 19 साल के बीच में हैं, जो आईबी स्कूल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस होते हैं, मतलब वो उनमें एजुकेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। अब इनका ऑब्जेक्टिव जो होता है, इट फोकसेस ऑन एनालिटिकल स्किल्स, लैंग्वेज आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। द पर्पस ऑफ द आईबी इज टू प्रोड्यूस ग्लोबल सिटीजन्स। इसका मतलब है कि ये एनालिटिकल स्किल्स में एनालिटिकल स्किल्स पे फोकस करता है, मतलब आप कोई भी चीज़ को एनालाइज कैसे करते हैं, कोई भी चीज़ की एनालिसिस कैसे करते हैं, उसको एनालिटिकल स्किल्स कहते हैं। जो लैंग्वेज, जो आप दूसरी दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं, जो आर्ट्स और जो ह्यूमैनिटीज, ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं इस पे ये मेन फोकस करता है, और इसका पर्पस होता है कि ग्लोबल सिटीजन्स को प्रोड्यूस करना, मतलब ग्लोबल सिटीजन्स बनाना इस अपने एजुकेशन सिस्टम के द्वारा। अब इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इट हैज़ इंटरनेशनल करिकुलम वेयर सब्जेक्ट्स आर टॉट इन एन इंटीग्रेटेड वे इन ऑर्डर टू अवॉइड अ फ्रेगमेंटेड अप्रोच। आई बी हैज़ अ डिफरेंट अप्रोच विथ फ्यू टेक्स्ट बुक्स, स्टूडेंट आर फ्री टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। इसका मतलब है कि जो आई बी है, जो इंटरनेशनल बाकलोरेट है, इसमें एक इंटरनेशनल करिकुलम होता है जहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक साथ पढ़ाए जाते हैं, जिससे कि उनको बच्चों का जो ध्यान है वो सिर्फ एक ही जगह रहे, वो ध्यान उनका बहुत सारी जगह बटे नहीं। और जो आईबी है उनकी एक डिफरेंट अप्रोच है, और उनकी डिफरेंट अप्रोच होती है, और उनकी बहुत सारी जो टेक्स्ट बुक हैं वो भी थोड़ा डिफरेंट उनका सिलेबस होता है। और अब इसके एग्जामिनेशंस के बारे में बात करेंगे। इट हैज़ 3 सेक्शंस, द PYP प्राइमरी ईयर्स प्रोग्राम, KG to 5th स्टैंडर्ड, MYP मिडिल ईयर्स प्रोग्राम, 6th to 10th स्टैंडर्ड, एंड द DYP डिप्लोमा ईयर्स प्रोग्राम, 11th to 12th स्टैंडर्ड। इट हैज़ नो प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक्स, डिलीवरिंग अ लॉट ऑफ फ्रीडम इन लर्निंग। तो अब इसका जो एग्जामिनेशंस हैं उसके 3 सेक्शंस होते हैं, मतलब 3 सेक्शंस में इनके एग्जामिनेशन होते हैं। मतलब जो पहला है वो PYP है, प्राइमरी ईयर्स प्रोग्राम, जो कि KG to 5th क्लास तक होता है। जो दूसरा है एग्ज़ाम है, वो दूसरा जो सेक्शन है इनका, वो है मिडिल ईयर्स प्रोग्राम, जो कि 6th to 10th स्टैंडर्ड तक होता है। और जो इनका तीसरा सेक्शन है वो है डिप्लोमा ईयर्स प्रोग्राम, जो कि 11th और 12th सॉरी। और इनका जो तीसरा सेक्शन है वो है DYP, जो कि है डिप्लोमा ईयर्स प्रोग्राम, जो कि 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए होता है। और इंटरनेशनल बाकलोरेट में कोई भी टेक्स्ट बुक्स ऐसा नहीं रहता कि सिर्फ आपको यही टेक्स्ट बुक पढ़ना है, यही एकदम फिक्स्ड टेक्स्ट बुक है, पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक है, ऐसा नहीं होता। इस पे आप जो टेक्स्ट बुक चाहें वो पढ़ सकते हैं, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। अब बात करेंगे स्टेट बोर्ड्स के बारे में। तो स्टेट बोर्ड्स आर स्पेसिफिक टू ईच स्टेट एंड फॉलोज सेपरेट सिलेबस एंड ग्रेडिंग मेथडोलॉजी। एवरी स्टेट बोर्ड हैज़ इट्स ओन एजुकेशनल अप्रोच विच कॉजेज अ वेरियंस इन द सिलेबस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इन इंडिया। इसका ये मतलब है कि जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं, जैसे कि हमारा MP बोर्ड है, जैसे कि यहाँ पे आपने फोटो देखे होंगे, जो ये पहला जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश, मतलब ये MP बोर्ड है, और ये जो दूसरा है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है।
और ये जो तीसरा है जिसके नीचे उत्तर प्रदेश लिखा है, ये यूपी बोर्ड है, और जो ये चौथा है ये गोवा बोर्ड है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है। तो अब हम देखेंगे जो अगला है, तो इसका मतलब है कि जो स्टेट बोर्ड हैं वो हर एक स्टेट में अलग अलग होते हैं, और उनका जो सेपरेट सिलेबस होता है, मतलब अलग अलग सिलेबस होता है, और उनका जो ग्रेडिंग मेथडोलॉजी होती है, मतलब जो ग्रेडिंग होती है, वो भी हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग होती है। हर एक स्टेट में अपना अलग एजुकेशनल अप्रोच होता है, और जिससे कि बच्चों को अलग अलग तरीके से, जो मतलब जिससे सिलेबस में अलग अलग थोड़ा सा अंतर आ जाता है, और ये हर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलता है इंडिया में। अब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये होता है, इट फोकसेस ऑन स्टेट लेवल टॉपिक्स एंड कंटेंट ऑफ लोकल रेलिवेंस विच हेल्प स्टूडेंट्स इन प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। इसका मतलब है कि ये जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं, ये स्टेट लेवल टॉपिक्स और जो लोकल रेलिवेंस है, मतलब जो उनके स्टेट का ही जो चीज़ें हैं उस पे ज़्यादा फोकस करते हैं स्टेट बोर्ड, जो कि बाद में इनके स्टूडेंट्स को जो अंडर स्टेट बोर्ड्स पढ़ रहे हैं वो स्टेट लेवल इंजीनियरिंग या स्टेट लेवल मेडिकल एंट्रेंसेस को क्रैक करने में हेल्प कर सकें। अब इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। द सिलेबस इज़ यूजुअली लिमिटेड व्हेन कंपेयर्ड टू अदर बोर्ड्स, मतलब इसका सिलेबस जो है वो बहुत ही लिमिटेड होता है। रीजनल लैंग्वेजेस एंड कल्चर हैव अ प्रोमिनेंट प्लेस इन द सिलेबस, तो यहाँ जो रीजनल लैंग्वेज हैं और जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कल्चर होता है वो उसकी यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी जगह होती है। सम स्टेट बोर्ड्स हैव ऑर्डर्ड ऑल देयर स्टूडेंट्स सॉरी सम स्कूल सॉरी सम स्टेट बोर्ड्स हैव ऑर्डर्ड ऑल देयर स्कूल्स टू फॉलो NCERT बुक्स ओनली विच आर इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर फॉर पैन इंडिया एग्जामिनेशंस। इसका मतलब है कि जो कुछ स्टेट बोर्ड्स हैं उन्होंने अपने जो स्कूल्स हैं उनको ये ऑर्डर दिया है कि जो वो उनके बच्चे हैं जो वो वहाँ पे पढ़ रहे हैं उस स्टेट के अंदर, वो NCERT बुक्स को फॉलो करें, और केवल उन्हीं NCERT बुक्स को फॉलो करें जिससे वो पैन इंडिया एग्जामिनेशंस को क्रैक कर सकते। पैन इंडिया एग्जामिनेशन जो मतलब नेशनल लेवल पे होता है, ऑल इंडिया लेवल पे जो एग्जामिनेशंस होते हैं। अब नाउ टॉकिंग अबाउट द एग्जामिनेशंस, एग्जाम्स आर कंडक्टेड इन ईच क्लास। इन क्लास 10 द स्टूडेंट अपियर फॉर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एंड द क्लास 12 स्टूडेंट्स अपियर फॉर द हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम्स। इसका मतलब है कि जो हर क्लास में इसमें एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, तो जो क्लास 10 के बच्चे होते हैं वो SSC में अपियर होते हैं, मतलब सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, और जो क्लास 12 के बच्चे होते हैं वो एग्जाम देते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के लिए, जो कि HSC एग्जाम्स के नाम से जिसको हम जानते हैं। अब जो अगला बोर्ड है वो है कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन। तो मैनी स्कूल्स इन इंडिया आर नाउ गेटिंग अफिलिएटेड टू कैम्ब्रिज इंटरनेशनल कंडक्ट्स द IGCSE एंड AS एंड ए लेवल एग्जाम्स। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल इज पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज करिकुलम स्टार्ट्स फ्रॉम प्राइमरी, लोअर सेकेंडरी एंड अपर सेकेंडरी टू एडवांस्ड। दिस इज कॉल्ड द कैम्ब्रिज। इसका मतलब है कि जो बहुत सारे स्कूल्स हैं इंडिया में, अब वो धीरे धीरे अपने स्कूल का एफिलिएशन कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन, जिसको हम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल भी कहते हैं, उससे अपने स्कूल का एफिलिएशन धीरे धीरे कर रहे हैं। जो कैम्ब्रिज इंटरनेशनल है वो IGCSE AS और जो ए लेवल एग्जाम है उनको कंडक्ट कराता है। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज का ही एक पार्ट है। जो कैम्ब्रिज का करिकुलम होता है, मतलब जो इनका जो एजुकेशन सिस्टम है, वो प्राइमरी, लोअर सेकेंडरी और अपर सेकेंडरी और उसके बाद एडवांस्ड लेवल तक जाता है, और इसको हम कैम्ब्रिज कहते हैं। अब पाथवे, कैम्ब्रिज पाथवे गिव्स स्टूडेंट्स अ क्लियर पाथ फॉर एजुकेशनल सक्सेस फ्रॉम age 5 to 19। इसका एक पाथवे होता है जो कि स्टूडेंट्स को गाइड करता है अपने एजुकेशन में कैसे बेटर परफॉर्मेंस कर सकें, और ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो कि 5 मतलब 5 से 19 साल के अंदर के हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव, कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन प्रिपेयर्स स्कूल स्टूडेंट्स फॉर लाइफ
हेल्पिंग डैम डेवलप एन इन्फॉर्म्ड क्यूरियोसिटी एंड अ लास्टिंग पैशन फॉर लर्निंग। इसका मतलब है कि जो कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन है वो अपने स्टूडेंट्स को लाइफ के लिए प्रिपेयर करता है, मतलब लाइफ में अच्छा परफॉर्म करने के लिए प्रिपेयर करता है, और उनको एक क्यूरियोसिटी, मतलब कोई भी चीज़ को जानने की जो एक्साइटमेंट होती है उसको क्यूरियोसिटी कहते हैं, और लास्टिंग पैशन फॉर लर्निंग मतलब लर्निंग के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहना। ऐसे ये क्वालिटीज़ डेवलप करते हैं अपने स्टूडेंट्स में जिससे वो अपनी लाइफ में बेटर परफॉर्मेंस कर सकें। अब इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ऑफर्स अ चॉइस ऑफ ओवर 70 सब्जेक्ट्स एज एट IGCSE लेवल एंड ओवर 55 सब्जेक्ट्स AS एंड A लेवल, विच मेक्स इट वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल एजुकेशन बोर्ड्स इन इंडिया। स्कूल्स कैन शेप द करिकुलम अबाउट हाउ दे वांट स्टूडेंट्स टू लर्न। इसका मतलब है कि जो कैम्ब्रिज इंटरनेशनल है ये IGCSE लेवल में 70 मतलब 70 सब्जेक्ट्स की आपको चॉइस दे देता है, जिसमें से आप वो सब्जेक्ट्स चुन सकते हैं जो आपको पढ़ना है। सॉरी। और इसके बाद जो AS और A लेवल होता है उसमें आपको 55 मतलब 55 सब्जेक्ट्स की चॉइस मिलती है, और उससे आप जो भी चूज करते हैं वो आपको पढ़ने मिलते हैं, जो कि इसको इंडिया के एजुकेशन बोर्ड्स में को मतलब में बहुत फ्लेक्सिबल बनाता है। मतलब ये सबसे जो इंडिया के फ्लेक्सिबल एजुकेशन बोर्ड्स हैं उसमें से एक बनाता है जो इसको। और स्कूल्स कैन शेप द करिकुलम अराउंड हाउ दे वांट स्टूडेंट्स टू लर्न। और स्कूल जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, उसको अपने हिसाब से शेड्यूल कर सकते हैं, मतलब वो जो तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उनको ये भी छूट रहती है। अ लॉट ऑफ एम्फेसिस इज पुट ऑन इंग्लिश लैंग्वेज एंड स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू प्रोपेल देयर क्रिएटिविटी थ्रू अ वेराइटी ऑफ राइटिंग्स। मतलब जो इसमें जो बहुत इसका जो मेन मोटिव है वो है इंग्लिश लैंग्वेज, और जो ये एजुकेशन बोर्ड जो है वो बच्चों को एनकरेज करता है बहुत सारी अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए वेराइटी ऑफ राइटिंग से, मतलब अलग अलग तरीकों से राइटिंग करा के उनसे, जैसे कि ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग या स्टोरी राइटिंग, जिससे उनकी जो लैंग्वेज पे कमांड है वो अच्छी हो। देन देयर इज एडिशनल फोकस ऑन फॉरेन लैंग्वेज दैट इज इंटेंडेड टू हेल्प द चिल्ड्रन इन द लॉन्ग रन। और इस पे एक फॉरेन लैंग्वेज भी सिखाते हैं, जो कि अगर बच्चा अपने रीजन से कहीं बाहर जाए, कभी जॉब करने या कहीं उसका ट्रांसफ़र हो जाए, तो वो उससे उसको हेल्प मिले। अब इसके एग्जामिनेशंस, IGCSE एग्जाम्स आर कंडक्टेड एट द एंड ऑफ कैम्ब्रिज अपर सेकेंडरी 14 to 16 ईयर्स ओल्ड। मतलब जो IGCSE एग्जाम है वो कैम्ब्रिज अपर सेकेंडरी के एंड पे कंडक्ट किए जाते हैं, जो कि 15 to 16 ईयर्स ओल्ड होते हैं वो बच्चे ये एग्जाम को देते हैं। और एंड AS एंड A लेवल इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ कैम्ब्रिज एडवांस्ड 16 to 19 ईयर्स ओल्ड। और जो AS और A लेवल एग्जाम्स होते हैं वो कैम्ब्रिज एडवांस के एंड में कंडक्ट किए जाते हैं, जो कि 16 to 19 ईयर्स ओल्ड के बच्चे दे सकते हैं, मतलब 16 से 19 साल के बच्चे इसके लिए एलिजिबल होते हैं। स्कूल्स में चूज टू होल्ड द एग्जामिनेशंस इन जून, नवंबर और मार्च। मतलब स्कूल चूज कर सकते हैं कि उनको उनको कब एग्जाम कराना है, उनको या तो जून में कराना है, या तो नवंबर में कराना है, या तो मार्च में कराना है, और वो रोक भी सकते हैं एग्जाम को जब उनको कराना हो और जब उनको रोकना हो, ये स्कूल के हाथ में होता है। द मार्च सीरीज इज ओनली कंडक्टेड इन इंडिया टू बेनिफिट स्टूडेंट्स हु विश टू अप्लाई द इंडियन सॉरी हु विश टू अप्लाई टू इंडियन यूनिवर्सिटीज फॉर हायर एजुकेशन। लेकिन ये जो मार्च वाली जो सीरीज है ये सिर्फ इंडिया में कंडक्टेड, मतलब ये इंडिया में कंडक्टेड कराई जाती है एक मेन मोटिव के साथ, जिससे कि जो बच्चे हैं जो कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकें। इसलिए ये जो एग्ज़ाम है, ये जो मार्च सीरीज़ वाला, इसको इंडिया में किया कराया जाता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आर वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल एज मच एज पॉसिबल। एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।